नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। मंगलवार के दिन चुपचाप यहाँ बांध देना काला धागा, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरकारक और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से, यानी कि सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियाँ आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितने ही मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएँ सताने लगती है, चिंताएँ बढ़ती है, चिंताएं साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। ये नकारात्मकता आपके घर में आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी हुई गलत चीज़ें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नज़र लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का ये उपाय एक ऐसा प्रभावशाली और असरकारक उपाय है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगी रेशमी या सूती काला धागा। दोस्तों, ये उपाय थोड़ा हटके है। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं बल्कि कई वर्षों से, कई सालों से हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए, धनवान बनने के लिए, मालामाल बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए बांधा जाता है। साथ ही टोनी टोटके नज़र दोष को दूर करने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों का, इन सभी मुसीबतों से, जैसे कि किसी की नज़र लग जाए, काले टोने टोटके, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष से भी बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनमें मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने से ऊर्जा जो हमें मिलती है, सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है, इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है, काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है, तो उसको किसी की नज़र ना लग जाए, काले टोने टोटके ना लग जाए। बच्चा जो होता है, काला टीका उसका लगाया जाता है ताकि उसकी नज़र उतर जाए। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नज़दीक के किसी हनुमान मंदिर या फिर शनि मंदिर के पास जाना है। अगर आप मंगलवार के दिन जा रहे हैं, तो आपको हनुमान जी के मंदिर के पास जाना है और आपको हनुमान जी मंदिर के, बजरंगबली के मंदिर के पास जाकर मंगलवार के दिन, और उनके शरीर में जो
लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ है तो सिंदूर दाहिने पैर का सिंदूर इस काले धागे पर आपको लगाना है। और शनिवार के यदि दिन जा रहे हैं तो शनिवार के दिन जा रहे हैं तो आपको शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबे लेना है, यानी कि डुबे देना है, फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। और दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मंगलवार के दिन जा रहे हैं तो बजरंग बली यानी हनुमान जी के शरीर में जो सिंदूर लगा रहता है उसको इस काले धागे पे लगाना है मंगलवार के दिन। और शनिवार के दिन जा रहे हैं तो सरसों का तेल जो शनिदेव को चढ़ाया जाता है उस तेल को इस धागे पर लगा देना है। अब आप मंगलवार के दिन जा रहे हैं या शनिवार के दिन, दोनों दिन ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आप लगाकर फिर आपको इस धागे पर 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या का निराकरण करें, विनती आपको भगवान बजरंग बली से करनी है। मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो बजरंग बली से करें, शनिवार के दिन कर रहे हैं तो शनिदेव से आप अपनी समस्या का निराकरण करें तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त और भगवान को बता सकते हैं, यानी बजरंग बली को शनिदेव को बता सकते हैं। आपको धन संबंधित समस्या है, कार्य में अड़चने आ रही है, शादी विवाह की समस्या है, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश से भरा हुआ है, हर एक समस्या आप भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें, यानी एक समस्या का निराकरण, यानी कि बताते हुए निराकरण करते हुए आप जब एक समस्या बोलेंगे तो एक गांठ बांध दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांधें, भगवान के चरणों में एक दीपक जला दें, यानी आप बजरंग बली के पास एक दीपक जला दें मंगलवार के दिन कर रहे हैं, और शनिवार के दिन कर रहे हैं तो शनिदेव के पास आप जला दें, और फिर ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें और शनिदेव के भी मंत्र का जाप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, यानी जिस दिन आप करेंगे उस दिन आप इन देवी देवताओं का मंत्र का जाप करें, फिर आपको हनुमान चालीसा और शनि के स्त्रोत का जाप करें, और फिर आप इस धागे में आपको गांठ लगाई है जिस धागे पे, इसको दीपक के ऊपर से 7 बार घुमा लें, और फिर आप क्या करें, फिर एक बार हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण करें, फिर आप इसे आपको क्या करना है, किसी से बात नहीं करनी है और फिर चुपचाप अपने घर चले आना है, फिर उस रात के लिए इस धागे को आपको अपने पूजा स्थान पर रख देना है, यानी जहां पर आप पूजा करेंगे वहीं पर आप रख दें। फिर क्या करें, जिस व्यक्ति को तकलीफ है या फिर जिस व्यक्ति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आप बांध दें, उस व्यक्ति के आप बाजू में बांध दें और बजरंग बली का स्मरण करें, शनिदेव का स्मरण करें। दोस्तों ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आप एक काला धागा लेकर जाएं और मंगलवार के दिन आप जाकर बजरंग बली के चरणों का सिंदूर लगाकर आप बजरंग बली के मंदिर में आप गेट पर इस धागे को अपनी मनोकामना बोलते हुए बांधें, आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों आप चाहते कि आपके घर से गरीबी दूर हो, कलह क्लेश दूर हो, घर में सुख संपन्नता बरसे, बजरंग बली की कृपा बरसे और शनिदेव की कृपा बरसे, तो क्या करना है, आपको एक काला धागा लेकर जाना है और बजरंग बली के चरणों के पास इसमें रख दें, लाल सिंदूर रख दें, या फिर शनिवार के दिन जा रहे हैं तो शनिदेव के सरसों का तेल इसमें लगा दें और फिर इस धागे को लेकर आए और आप इसे अपने धन के स्थान पर जहां पर धन पेटी है, तिजोरी है, आलमारी है, वहां पर इसे बांध दें। इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, बल्कि नौकर तक रखने पड़ेगा पैसे गिनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, नौकर तक रखने पड़ेंगे आपके घर में पैसे गिनने के लिए, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में, क्योंकि साक्षात बजरंग बली की कृपा बरसेगी, शनिदेव की कृपा बरसेगी। या फिर आप चाहें तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आप काला धागा अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए आप अपने मुख दरवाजे के पास बांधें, तो इससे बाहरी जो निगेटिव शक्तियां होती हैं, जैसे किसी की नजर लग गई, बुरी शक्तियां जो होती है घर में प्रवेश नहीं करती हैं, और अगर आपके घर में है तो सब बाहर चली जाती हैं, बिल्कुल हट जाती हैं। तो इस प्रकार से काले धागे से जुड़े ये विशेष उपाय करेंगे तो लाभ होगा। दोस्तों आप चाहें तो अपने गले पर, अपने बाजू पर, पैरों पर भी आप काला धागा बांधें। पैरों पर अगर काला धागा बांधते हैं तो आपको नजर नहीं लगेगी, कभी किसी की बुरी दृष्टि आपके ऊपर हावी नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, काला रंग का जो धागा होता है पैरों पर बांधते हैं, अपने हाथों पर बांधते हैं, गले पर बांधते हैं, ताकि उन्हें नजर दोष किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो
तो इस प्रकार से आप ये उपाय काले धागे से जुड़े उपाय जरूर करें, विशेष लाभ होगा। बजरंग बली और शनिदेव की कृपा अपार बरसेगी। तो दोस्तों, अगर ये आपको महत्वपूर्ण और खास जानकारी बेहद अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में लिखेगा जय बजरंगबली, जय शनिदेव।